जफर मिस्टर इंडिया 2 को डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। अली अब्बास जफर की करियर की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आने वाले दिनों में मिस्टर इंडिया का सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ, मिस्टर इंडिया 2 पर जल्द ही काम शुरू हो सकता है। आज हम इस वीडियो में उसी पर कुछ खास चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों को चाहने वाले तमाम लोग मिस्टर इंडिया 2 का लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर इंडिया के पार्ट 1 में हमें अनिल कपूर लीड रोल में नजर आए थे और इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। इस फिल्म के जरिए पहली बार भारत में सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को दर्शाया गया और साथ ही लोगों को सुपर पावर जैसा कुछ होता है इसके बारे में भी बताया गया। मिस्टर इंडिया के जरिए पहली बार हमें भारत में इनविजिबल सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट देखने को मिला। हालांकि इसके बाद बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म नहीं बनाई गई जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। हालांकि बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो इनविजिबल सुपर हीरो के कॉन्सेप्ट को दर्शाती है बड़े पर्दे पर, और ऐसी कहानी लोगों को काफी पसंद भी आती है। मैं आपको बता दूं, जल्द ही आने वाले दिनों में बोनी कपूर, जो मिस्टर इंडिया के प्रोड्यूसर रहे हैं, वो मिस्टर इंडिया 2 पर काम शुरू कर सकते हैं। मिस्टर इंडिया 2 के जरिए एक बार फिर से आपको इनविजिबल सुपर हीरो की कहानी देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पिक्चर को शेखर कपूर नहीं बल्कि अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रोड्यूसर ने उन्हें डायरेक्शन का कमान देकर कोई गलती की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अली अब्बास जफर बॉलीवुड के एक टैलेंटेड डायरेक्टर रहे हैं और उनकी ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं मिस्टर इंडिया 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो। चलिए हम आपको बताते हैं कि अली अब्बास जफर को उनके करियर का सबसे पहला फिल्म कैसे मिला था जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1982। पढ़ाई में हमेशा से ही एक होशियार स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। अली को हमेशा से डायरेक्शन का बहुत शौक था, इसी वजह से उन्होंने डायरेक्शन की स्पेशल ट्रेनिंग ली। अपने करियर के शुरुआती दौर में अली अब्बास जफर ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने यशराज बैनर के पहले काम किया था और यश चोपड़ा को उनकी काबिलियत पर हमेशा से ही पूरा भरोसा था। यश चोपड़ा और अली अब्बास जफर एक अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। इसके बाद अली अब्बास जफर को उनके करियर की सबसे पहली फिल्म डायरेक्ट करने को लेकर, और वो थी मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर की दुल्हन में लीड तौर पर नजर आए थे इमरान खान और कैटरीना कैफ। दोस्तों, इस फिल्म को लोगों का भरपूर प्यार मिला था। पिक्चर ने करीब 90 करोड़ का बिजनेस भी किया। अपनी पहली फिल्म के सक्सेसफुल होने के बाद अली अब्बास जफर को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला और फिर उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म डायरेक्ट की, जो थी गुंडे। गुंडे में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह नजर आए थे, साथ ही फीमेल लीड के तौर पर प्रियंका चोपड़ा थी। इस फिल्म को भी लोगों का भरपूर प्यार मिला और खास तौर पर अली के डायरेक्शन को लोगों ने काफी अप्रिशिएट। इसके बाद अली के करियर ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और उन्हें साथ मिल गया था बॉलीवुड के भाई जान यानी सलमान खान का। सलमान खान की कई फिल्मों को अली अब्बास जफर ने ही डायरेक्ट किया है। मैं आपको बता दूं, भारत सुल्तान जैसी फिल्मों को अली ने ही डायरेक्ट किया। इसी सक्सेस का नतीजा है कि अली अब्बास जफर आने वाले दिनों में बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे बोनी कपूर। दोस्तों, आप मिस्टर इंडिया 2 के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा बुद्ध को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड की दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट आप तक